Welcome students, how are you? Let's start our lecture 4. Open your page number 22. Here you are given the blanks to complete the pattern. आपको यहाँ एक पैटर्न गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसमें कुछ मिसिंग नंबर हैं बॉक्सेस में. अगर आप इसको देखें, गौर करें, तो ये आपको एक ट्री मेथड की तरह नज़र आ रहा है. फैक्टराइजेशन वाला मेथड लास्ट टाइम हमने फोर्थ क्लास में किया होगा, ट्री मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स जिसमें हमने बनाए थे ट्री मेथड के थ्रू. कुछ उस पैटर्न को आप माइंड में लेके आएँ ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व करें. यहाँ पर आपको फर्स्ट बॉक्स पे मिसिंग नंबर है, सेकंड बॉक्स पे मिसिंग नंबर है और थर्ड बॉक्स पे, जबकि आप लास्ट वाली लाइन में आप देख रहे हैं बॉक्सेस फिल हैं. अच्छा, इनको हम सॉल्व करने के लिए, जब जाहिर सी बात है हमारे पास फर्स्ट पे कुछ नहीं है, सेकंड स्टेप पे कुछ नहीं है, थर्ड पे भी हमें मिसिंग लग रहा है कुछ, तो हम नीचे वाले स्टेप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो स्टेप हमारे पास कंप्लीट है. अगर आप सोचें कि यहाँ पर एक पैटर्न के मुताबिक अगर हम देखें कि वन और टू में ऐसा क्या रिलेशन कायम हुआ हुआ है कि ऊपर आंसर आ सकता है, क्योंकि वन एंड टू यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को उन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, जिससे आ रहा है ऊपर आंसर, डेट इज़ टू. फर्स्ट और सेकंड नंबर को जब इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो सपोज करें कि इसका आंसर ऊपर लिख दिया. अब हम देखते हैं कि हमारा ये मैथड ठीक जा रहा है. अब इसी तरह ही प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि सेकंड वाला आंसर हमारे पास आ रहा है ऊपर, टू मल्टीप्लाई बाय टू डैट इज़ फोर, टू टू टाइम्स टू इज़ फोर. अब इसी तरह यही प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिया, जाहिर सी बात है फर्स्ट स्टेप में चले तो आंसर ठीक आया, सेकेंड स्टेप में चले आंसर ठीक आया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमें प्रीवियस नंबर और सेकेंड नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर भी मिल जाएगा, डैट इज टू, टू इंटू वन डैट इज टू. ओके, अब यहाँ पे हमारा ये वाला मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गया. अब इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को लेके ऊपर वाले स्टेप्स को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिजिट डैट इज टू, टू टाइम फोर इज एट. इसी तरह ही अगर उस आंसर को देखने के लिए हम देख लेते हैं, एट टाइम फोर टाइम टू इज एट. अब इसी तरह ही अगले स्टेप पे जाएंगे, एट अगर नीचे से नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं तो ऊपर वाले स्टेप में भी नंबर्स मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो एट इंटू एट डैट इज सिक्सटी फोर. अब दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, अब स्टार्ट से रिपीट करते हैं, क्या हमारे पास पैटर्न ठीक है. 64 किसके फैक्टर्स होते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8. इसी तरह ही 8 को आगे मजीद फैक्टराइज किया हुआ है 2 के टेबल से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये वाला 4 इसी के आंसर के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज़. इसी तरह ही आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया. इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को आपने देखते हुए ऊपर वाले पैटर्न स्टेप्स के मुताबिक चलते हुए नीचे वाले स्टेप्स को इंक्रीज करते जाना है और इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे हम अपने चैप्टर 1 की एंडिंग करते हैं. क्लास स्टूडेंट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने पूरे यूनिट की तैयारी करनी है. सिलेबस में कोई भी यूनिट, कोई भी पेज मिसिंग नहीं होगा यूनिट नंबर 1 से. असेसमेंट के लिए आपको पूरा यूनिट तैयार करना पड़ेगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. ओके, लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 2. स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 23. लुक एट दिस पेज, दैट इज़ ऑपरेशंस इन नंबर्स. मैथ्स में, नंबर्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. किसी भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है. हाउ मैनी ऑपरेशंस? 4 ऑपरेशंस डेट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. इन 4 ऑपरेशंस के बगैर हम मैथ्स में किसी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम इन कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओपन द पेज नंबर 25. यहाँ पे आपको फाइंड द सम, सम्स का मतलब क्या होता है एडिशन, या क्योंकि आपको नीचे एक्सरसाइज में साइंस से भी पता चल रहा है. एडिशन को सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है हम नंबर्स को, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं 2, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनको आपने इन्हीं मेथड से एडजस्ट करना है, लिखना है ऊपर और नीचे और फिर सॉल्व कर देना है. फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आप देखें फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. ठीक है,
एडिशन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से ही हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम हमेशा इसको राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर एंड फोर यानी कि 4 + 4 डेट आर 8। अब विच नंबर इज एडिड टू 3 देन विल इट वन वट विल बिकम 8। क्या हम ऐड करेंगे 3 में कि 8 हमारे पास बन जाएगा, वो क्या होगा 5। और 3 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आए 7 डेट इज 4। ओके विच नंबर इज एडिड इन टू 5 टू बिकम 9 4। 4 इज एडिड टू 5 टू बिकम 9। ओके 9 में ऐसा क्या नंबर ऐड होगा कि हमारे पास आंसर ही 9 आए, नथिंग डेट इज 0। 9 + 0 = 9। 4 में ऐसा क्या नंबर, 4 एंड 2 आपस में ऐड हुए हैं, वो क्या है 6। ओके यहाँ पे कौन किस नंबर के साथ हम 3 ऐड करेंगे कि 8 आएगा, कौन सा नंबर मिसिंग है हमारे पास 5। 5 एंड 3 8, 3 एंड 4 7। अपने अपने माइंड अपने माइंड में इसको आपने सॉल्व करना है, और अगर इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको मिसिंग लेटर्स को, मिसिंग नंबर्स को लिखेंगे। अब इस नंबर इसको हम रिपीट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आंसर हमारा ठीक है। 4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9, 9 + 0 = 9, 4 + 2 = 6, 5 + 3 = 8, 3 and 4 = 7। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, इसी पेज पे नीचे आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन दी होंगी। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कुछ सम्स को सोल्व करने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है ताकि उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। एडिशन की प्रॉपर्टी यानी कि एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, तीन टाइप्स की हमारे पास प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेट इज जीरो प्रॉपर्टी। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, जीरो प्रॉपर्टी। इसकी एक कंडीशन ये है कि जीरो का मतलब क्या है, इफ जीरो इज एडिड टू एनी नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो नंबर खुद उसका आंसर बन के हमारे पास सामने आता है। सपोज कर ले मेरे पास एक नंबर है 540, अगर उसमें मैं जीरो ऐड करूं, जीरो का मतलब जीरो हैज नो वैल्यू क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही, तो वो 540 का 540 ही रहेगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट इज जीरो प्रॉपर्टी। इफ जीरो इज एडिड टू एनी नंबर इट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद उसका आंसर आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ हम आ जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, द सम ऑफ द नंबर्स इन अ ग्रुप। अगर हमें ग्रुप में कुछ नंबर्स दिए हों 3 या 4, अगर हम उनका सम करें तो द सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द नंबर्स इन ग्रुप विल रिमेन द सेम इफ इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ नंबर चेंज। इसको लिख के हम देखते हैं, आपको समझ आएगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, उनके हमने ग्रुपिंग की हुई है 54, 22 + 10। पहले दो का ग्रुप बना लेती हूँ, इसी तरह ही दूसरे स्टेप में मैं ऑर्डर चेंज करके देखती हूँ क्या इन दोनों का आंसर सेम आता है, 54, 10 and 22। ग्रुपिंग देखें हमने चेंज कर दी। अब हम इनको ऐड करेंगे, 54 + 22 कितने होते हैं हमारे पास, डेट आर 76 + 10। और 54 वैसे का वैसे ही लेने लिखा रहने देते हैं, इस ग्रुप को सॉल्व करके देखते हैं पहले 10 और 22 कितने होते हैं 32। तो अब हम इन दोनों का आंसर देखते हैं क्या इन दोनों को ऑर्डर चेंज करने से इन दोनों का आंसर ठीक आया है। ये क्या हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 86। अब यहाँ पे भी देखें 54 और 32 सॉल्व करेंगे आप रफ वर्क पे, देख लें एक बार करके देख लेते हैं क्या आंसर सेम आया, 4 एंड 2 = 6, 5 एंड 3 = 8। तो ये भी आंसर आ गया
86। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर नंबर्स ग्रुप में हों और उनकी ग्रुपिंग को अगर चेंज करके देखा जाए तो आंसर पे चेंज करके ऐड किया जाए तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम ऑफ नंबर्स इन ग्रुप विल रिमेन द सेम इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ नंबर चेंज। तो हमने नंबर की ग्रुपिंग की चेंज कर ली और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आंसर सेम रहा। लेट्स स्टार्ट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ द ऑर्डर ऑफ एनी टू नंबर्स चेंज देयर सम रिमेन द सेम। किसी भी दो नंबर का ऑर्डर चेंज हो जाए, किसी भी दो नंबर का ऑर्डर चेंज हो जाए और उनको सम करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर मैं ले लेती हूँ चले 11 प्लस 4, ठीक है, ये इन दो नंबर्स का ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पे लिख लेते हैं 15। इसी तरह ही इसी दो नंबर का, इन्हीं दो नंबर का हम ऑर्डर चेंज कर दें, अगर पहले फोर, ऑर्डर मतलब तरतीब चेंज कर दें, पहले फोर है देन 11 आ जा लिख देते हैं, तो इसके मतलब आंसर में भी इसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने से आंसर हमारे पास सेम है। द ऑर्डर ऑफ द एनी टू नंबर चेंज देयर सम, उनका सम रिमेन द सेम, उनका एडिशन सेम रहा। इन्हीं प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हो आपने इस प्रैक्टिस पेज नंबर 26 पे जो गिवन प्रैक्टिस है आपने इसको सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।